भोजपुर मुखिया संघ के प्रधान महासचिव सह भोजपुर महासचिव लोजपा बिहार के राजेश्वर पासवान ने विगत कई सप्ताहों से अपने पंचायत सहित आसपास के गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच सैकड़ों क्विंटल सूखा राशन बांटे। अपनी पंचायत रामापुर सनदिया की जनता को राशन बांटने के बाद आज आरा नाला मोड़ गांधी कुष्ठ आश्रम जमीरा में जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन वितरण किया। राजेश्वर पासवान ने बताया कि रामापुर सनदिया में 135 क्विंटल से ऊपर सूखा राशन नाला मोड़ आरा में गांधी आश्रम जमीरा के जरूरतमंद लोगों के बीच राशन वितरण किए। उन्होंने बताया कि हम गरीबी से पले हैं, गरीबों का दर्द हम अच्छी तरह जानते हैं। एक दिन मजदूरों का मजदूरी नहीं लगता है तो उनके बच्चे रात को भूखे सोने पर मजबूर हो जाते हैं। दहाड़ी पर काम करने वाले लोगों की हालत लाचार है। यह वैश्विक महामारी पूरे भारत का कल कारखाना सहित व्यवसाय मजदूरी का कार्य ठप हो चुका है। लोग भूखमरी के कगार पर हैं। ऐसे परिस्थिति में यथासंभव मदद करने के लिए प्रयासरत हूँ, चाहे वह मदद चंद दिनों का क्यों ना हो। मेरे सदगुरु संत देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज कहते हैं कि गरीब असहाय की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में मैं हमेशा सेवा करता रहूंगा। भारत माता की जय, हमारे चाली बाबू की जय। राजेश्वर बाबू जिंदाबाद, 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 राजेश्वर बाबू जिंदाबाद। कितने लोग बांटा आपने राशन, कौन लोग हैं ये? जो यहाँ के शिक्षक है, जो कुष्ठ आश्रम अनाइट था, स्टेशन 3 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में लोग रहते थे, लेकिन सरकार द्वारा वहाँ से इनको विस्थापित किया गया है। और हमारे जो संजीव कुमार जी हैं, संजीव पासवान जी, यहाँ के इस यहाँ बच्चों के कुष्ठ आश्रम के जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। इनसे हमें बात हुई, इन्होंने बताया कि ये लोग भूखमरी के कगार पे हैं। लॉकडाउन के बाद नहीं कहीं मांग कर भी खा नहीं सकते हैं, स्थिति खराब है। और जो जिला प्रशासन इन लोग की जो व्यवस्था की है, गांव से दूर सुदूर इलाका में, जो यहाँ के यहाँ पर कोई पहुँच भी नहीं सकता है, तो हमारे मानवता के साथ इस परिस्थिति में, जैसे मैंने पंचायत के माध्यम से, पंचायत में भी मैंने सभी घरों में 5 किलो चावल देने का काम किया है, तो हमने सोचा कि नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। क्योंकि हमारे सदगुरु संत देवराहा श्रीनाथ दास जी महाराज भी कहते हैं कि जीव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हमने यह निर्णय किया कि कुष्ठ आश्रम में जितने परिवार हैं, यहाँ 40 परिवार हैं, 40 परिवारों के बीच में खाद्य सामग्री मैंने सूखा राशन बांटने का, चावल है, दाल है, और हाँ, इसके बाद नमक है, आलू है, किनका परिवार कुछ दिन ही करे, खाद का उपयोग करे, अपने बाल बच्चों को भूखे न रहने दे, इसलिए हमने निर्णय करके आज वितरण किया है। ठीक है, अभी जो सहयोग मिला उस बने उसको कैसे आते हैं? देना चाहते हैं सर, मुखिया राजेश्वर पासवान मुखिया जी, लोजपा प्रदेश महासचिव हैं, इनको हम लोग गांधी कुष्ठ आश्रम जमीरा इकबाल नगर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है, ठीक, हम लोग चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोग माई बाप हैं, पत्रकार महोदय लोग, हम लोग का घर द्वार नहीं बन रहा है, बहुत दिन इन लोग के घर के लिए आवेदन दिए DM साहब को, न रोड मिला है, न बिजली मिला है, न घर मिला है।